हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डीवर्सिस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स। टुडे वी हैव अ टॉपिक फॉर क्लास 12th, डिटरमिनेंट्स, एंड द एक्सरसाइज इज 4.5 स्टूडेंट्स, इन विच वी विल प्रैक्टिस फॉर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और जानते हो स्टूडेंट्स, इनवर्स फाइंड आउट हो जाने के बाद जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा जो सॉल्व करना है, यानी जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, उसका 80% वर्क कंप्लीट हो चुका होगा और 80% क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अभी किया नहीं है, एक्सरसाइज 4.6 में करेंगे, लेकिन यहीं पर पढ़ने के बाद, इन्हीं चीजों को समझने के बाद 80% क्वेश्चन, वो वाला जो कि अब बाद में करेंगे बिना देखे ही, अभी तक वो 80% सॉल्व हो जाएगा। और जब आप उसको करेंगे तो रेस्ट 20% और समझने के बाद आपका 100% सॉल्यूशन 6 मार्क्स से क्वेश्चन का हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहां मैंने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4th लिया है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2 में इनवर्स पूछा है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट पूछा है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है उसका लिंक, जाकर के चेक करिए और उसको समझने के बाद आप इस क्वेश्चन पर आ सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 1, 2 सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड मैंने इसलिए नहीं किया, उसके अंदर भी यही वेरीफाई करना है, लेकिन वो सिर्फ 2x2 का मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, तो मैंने 3x3 का लिया। और इसको करने के बाद आपको डेफिनेट सी बात है 2x2 का तो ऐसी समझ में आ जाएगा भाई, जब अरे 3x3 का हो गया तो 2x2 में क्या है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। तो देखो स्टूडेंट्स, इट इज गिवन टू यू, क्या है ये ए, क्या चाहिए उसको वेरीफाई किया करा रहा है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब आपको एडजॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट है यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए की। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए ले लेते हैं। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैंने अभी भी आपको बोला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक चेक करें और उस पर जाकर के आप एडजॉइंट पढ़ें पहले स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए हर चीज लिंक्ड होती है एक दूसरे से बच्चों। और अगर हम प्रीवियस यानी इंट्रोडक्शन को नहीं पढ़ेंगे तो एडवांस बात हमको समझ नहीं आएगी। तो जाकर देखें, उसके बाद आप यहां आकर के काम कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अभी इसके अंदर क्या कर रहे हैं। मैं सबसे पहले इसका एडजॉइंट लूंगा और एडजॉइंट लेने से पहले बच्चों क्या जरूरत है हमें, हाँ बिल्कुल आपको याद आ गया होगा अगर आपने वीडियो देख लिया, तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने की नीड होती है। तो लेट अस बिगिन फॉर द कोफैक्टर्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो हाउ कैन वी गेट कोफैक्टर्स, सबसे पहला होता है a11, और मैंने आपको इसके साइन और इसकी कैलकुलेशन का बताया है। 1 1 का मतलब रॉ नंबर 1 और कॉलम नंबर 1, क्योंकि आप पढ़ते हैं aij, जहां I stands for row and J stands for column। तो यानी कि फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे आप, फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम यहां डिलीट करिए, दिस इज फर्स्ट रॉ, दिस इज फर्स्ट कॉलम। जैसे स्टूडेंट्स आप इसको डिलीट करते हैं ये बचेगा और इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0 का 3 में 0 और इसका करेंगे तो ये भी 0, रिजल्ट 0 आ गया स्टूडेंट्स। सेकेंड होता है हमारा a12, ध्यान देना है साइन के लिए 1 प्लस 2, इनको ऐड करते रहना। देखो ये कितना था 1 एंड 1 2, तो यहां पॉजिटिव रहा, इवन में होता है पॉजिटिव और ऑड में हो जाता है नेगेटिव, रीजन आप पढ़ के देख लेंगे वहां। 1 प्लस 2 हो गया 3, दिस इज ऑड नंबर और ऑड में कैसी कंडीशन आती है, नेगेटिव आएगी। 1 2 रॉ 1 कॉलम 2 डिलीट करिए, रॉ 1 कॉलम 2 डिलीट कर दिया, तो 3 3 जा 9, -2, लेकिन ये माइनस पहले से है तो 9 प्लस हो गया 2, दैट इज -11। देन 8 1 3, 1 प्लस 3 4 हो गया, जो कि इवन यानी पॉजिटिव केस आएगा, रॉ 1 कॉलम 3। देन 3 0 0 0 1 0, 0 माइनस 0, रिजल्ट इज 0। नाउ a21 इट विल बी नेगेटिव, पता लग रहा है एड करने पर ऑड आएगा। रॉ 2 कॉलम 1, रॉ 2 कॉलम 1 डिलीट कर दो स्टूडेंट्स, ये आएगा -3 और ये आ जाएगा 0, तो दिस इज 3। देन a22 पॉजिटिव आएगा केस, रॉ 2 कॉलम 2, तो 1 3 जा 3, -2, 3 -2 इट विल बी 1,
देन 8, 2, 3 फिर से नेगेटिव। आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि इसको अगर आप ऐड करके देख रहे हैं ऑड आ रहा है तो नेगेटिव और अगर इवन आ रहा है तो पॉजिटिव। 8, 2, 3 रॉ 2 कॉलम 3 तो 100 माइनस माइनस प्लस 1 तो 0 प्लस 1 रिजल्ट विल बी माइनस 1। नाउ 831 बच्चों पॉजिटिव आएगा रॉ 3 कॉलम 1 दिस विल बी 2 माइनस 0 2। नाउ 832 इट विल बी नेगेटिव रॉ 3 कॉलम 2 तो माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 दिस इज 8। 833 बाहर पॉजिटिव रहेगा रॉ 3 कॉलम 3 तो 100 प्लस 3 0 प्लस 3 रिजल्ट विल बी 3। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिला इसके सारे कोफैक्टर्स गेट हो गए। तो इसके बाद हम लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए तो दैट हैपेंस मैट्रिक्स फॉर्म करो 0 माइनस 11 0 दिस इज 3 1 माइनस 1 इट इज 2 8 3 इट्स ट्रांसपोज आपको याद होगा इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो इट विल इंप्लाई यानी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू इसको ट्रांसपोज कर दीजिए 0 माइनस 11 0 नाउ 3 1 माइनस 1 2 8 3 दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। स्टूडेंट्स अब हमें करना क्या है हालांकि हमें डिटरमिनेंट भी रिक्वायर्ड है तो आप क्या कर सकते हैं साथ साथ आप डिटरमिनेंट ए भी गेट कर लीजिए। डिटरमिनेंट लाने के लिए एक्सपेंड करना है रॉ 1 से कर लीजिए तो पहले एलिमेंट हो गया 1 इसके सामने ये एलिमिनेट 0 माइनस 0 उसके बाद सेकंड एलिमेंट आता है फॉर्मूले में माइनस है और माइनस पहले से तो प्लस 1 यहां खड़े एलिमिनेट करो 3 जब 9 प्लस 2 9 प्लस 2 देन अगेन प्लस आता है दिस विल बी 2। स्टूडेंट्स यहां खड़े हैं ये और ये डिलीट 0 माइनस 0 भाई देखो ये भी 0 हो जाएगा ये भी 0 होने वाला है 9 प्लस 2 11 हो जाएगा सो दिस विल बी 11 इट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी डिटरमिनेंट ए का वैल्यू मिल गया आपको स्टूडेंट्स 11। अब हमें क्या करना है वेरीफाई करना है मल्टीप्लाई करके तो पहला केस है हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए है आपका 131 माइनस 100 2 माइनस 2 एंड 3 एंड व्हाट इज एडजॉइंट दिस वन 0 माइनस 11 0 3 1 माइनस 1 2 8 3 और स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है रॉ टू कॉलम तो करिए फर्स्ट रॉ का फर्स्ट कॉलम है 100 100 ये हो गया प्लस 11 और ये हो गया 0 फिर से इसको भी सेकंड में करिए 13 जा 3 माइनस 1 माइनस 2 अब इसे थर्ड में करिए 12 जा 2 18 जा 8 एंड दिस विल बी 23 जा 6 तो ये फर्स्ट रॉ का तीनों कॉलम्स में हो गया। अब सेकंड ले लो यहां से 300 इट इज 0 एंड 200 33 जा 9 इट्स 0 प्लस 2 यहां ले लो 32 जा 6 दिस इज 0 एंड 23 जा माइनस 6 2 माइनस 8 प्लस 6 ओके। अब थर्ड में शुरू करते हैं 100 देन 0 देन 0 13 जा 3 0 माइनस 3 इट्स 12 जा 2 0 33 जा 9 तो कैसा होगा स्टूडेंट्स जरा चेक करेंगे दिस इज 11 और ये कितना होगा 3 माइनस 3 0 ये 8 माइनस 8 ये भी 0 ये 0 ये 11 ये 0 ये भी 0 ये भी 0 ये 11 तो नॉर्मली आप देख रहे हैं इसमें से 11 कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं तो क्या बन जाएगा या ऐसे ही रहने दे सकते हैं दिस विल बी 11 इनटू क्या बचेगा 100 010 001 और ये क्या होता है स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इट इज 11 आइडेंटिटी ठीक है किसका वैल्यू आ गया ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ
ए का वैल्यू मिल गया बच्चों आपको ये। अच्छा इसके बाद हमें क्या चेक करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए को टेस्ट करना है। तो हम क्या कर देते हैं, यहां से थोड़ा सा इनको हटा देता हूं मैं, वीडियो को पॉज करके अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा पहले। चलिए डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी 11 आ चुकी थी वो हमें याद है, मैं लिख देता हूं डिटरमिनेंट वॉज 11। अच्छा स्टूडेंट्स अब हम ये ले लेते हैं क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, तो दिस विल बी एडजॉइंट ऑफ ए कितना था आपके पास 0 माइनस 11 0 3 1 माइनस 1 2 8 3 एंड मल्टीप्लाई बाई ए 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 3 मल्टीप्लाई का सिस्टम आपको पता ही है, रॉ टू कॉलम 0 3 3 9 और 1 2 2 यहां करेंगे ये 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 ऐसे, फिर 0 3 2 -6 2 3 +6 सेकंड को शुरू हो जाओ 11 1 11 1 3 3 और 8 1 8 यहां 11 1 0 0 एंड 8 0 0 ये 11 2 -22 -2 3 8 24 इसको ले लो इट्स 0 -3 दिस इज +3 ये 0 ये 0 और ये थर्ड भी 0। अब 0 2 0 + 2 and 3 3 9 चेक करो बच्चे देखो 11 0 0 0 11 0 और ये भी 0 0 11 फिर से आप क्या कर सकते हैं इसमें से 11 कॉमन ले लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो ये क्या हो गया बच्चे 11 आइडेंटिटी राइट। अब डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी टेस्ट करना है तो तीसरा हम लोग ले लेते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट का वैल्यू आपके पास पहले ही आ गया 11 ये आइडेंटिटी को आइडेंटिटी ही रहने दीजिए जरूरत ही नहीं है 11 आइडेंटिटी। तो आप क्या देख रहे हैं तीनों पार्ट देखो ये पार्ट वन ये इसका सेकेंड और ये थर्ड तो आप लोग लिखेंगे देयरफोर ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई ये वेरीफाई हो गया स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सीधे 11 पे कैसे पहुंच गए आप सोच रहे होंगे सर ये क्या मतलब है अचानक से सीधा 11 एक्चुअली स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 और 11 तीनों के अंदर सिर्फ इनवर्स पूछा और इनवर्स मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं विद एग्जांपल तो सब कुछ वैसे ही यहां थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है स्टूडेंट्स अभी क्योंकि चलो ट्रिग्नोमेट्री का तो हम कर देते हैं बाकी जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन है 5 to 10 सबके अंदर नंबरिंग है और मैंने प्रीवियस वीडियो में 3x3 का एग्जांपल ले लिया था आपके लिए तो नेचुरल है आप वहां से उसको कर लेंगे अभी मैं इसको आपके लिए करके देता हूं स्टूडेंट्स। तो क्या चाहिए उसे वो कह रहा है कि ए का वैल्यू तो ये है मैट्रिक्स का फाइंड ए इनवर्स इफ एग्जिस्ट्स मतलब कंडीशन बोलिए कि अगर एग्जिस्ट करता तो ही लाना है और एग्जिस्ट कब करता है जब डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होता या ये कह सकते हैं हम कि व्हेन दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कि नॉन सिंगुलर को मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया है मैं इसलिए कह रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वहां जाकर के पढ़ें उसके बाद आप इनको करेंगे। चलिए तो सबसे पहले जब भी हमें पता लगे कि इफ इट एग्जिस्ट तो सबसे पहले आप लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट करिए सो डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन तो आप वन पे खड़े हैं तो ऐसे ये इलिमिनेट कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गेट माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड दिस विल बी माइनस साइन स्क्वायर अल्फा तो एक काम करिए माइनस कॉमन ले लो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और आप सबको पता है यार छोटी सी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो 9 से स्टैंडर्ड है दिस इज 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफोर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स मतलब भाई डिटरमिनेंट 0 नहीं है इसका मतलब इस नॉन सिंगुलर है और इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। बात आती है स्टूडेंट्स अब इसके कोफैक्टर्स की कोफैक्टर सबसे पहला हमारा होता है a11 वही मतलब रो 1 कॉलम 1 डिलीट
रॉ वन कॉलम वन डिलीट, वही क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, तो माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस में हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, वन, यानी माइनस वन हो गया सीधे। ए वन टू नेगेटिव आएगा, वन प्लस टू ऑड हो गया, तो रॉ वन कॉलम टू डिलीट कर दो ऐसे। ये देखो रॉ वन एंड कॉलम टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये जीरो, ये भी जीरो, यानी जीरो माइनस जीरो, यानी रिजल्ट आ गया जीरो। ए वन थ्री फिर से पॉजिटिव आएगा, रॉ वन कॉलम थ्री दिस इज रिमूव्ड, ये रिमूव किया है, फिर से जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो, रिजल्ट इज अगेन जीरो। उसके बाद हम लेते हैं ए टू वन, नेगेटिव आएगा, रॉ टू, देखिए रॉ टू कॉलम वन, रॉ टू कॉलम वन, तो इट्स जीरो अगेन जीरो, यानी जीरो माइनस जीरो, फिर से जीरो। ए टू टू रॉ टू कॉलम टू, दिस विल बी माइनस कॉस अल्फा, माइनस जीरो, क्योंकि जीरो का जीरो से क्या किया मैंने, ए टू टू यानी रॉ टू एंड कॉलम टू डिलीट, ऐसे किया स्टूडेंट्स। तो वन का इसमें मल्टीप्लाई किया और जीरो का इसमें कर दिया जीरो में, भाई रॉ टू, ये रहा रॉ टू और ये रहा कॉलम टू, तो वन का माइनस कॉस अल्फा में, जीरो का जीरो में, ये आ गया, तो दिस इज माइनस कॉस अल्फा। देन ए टू थ्री फिर से नेगेटिव हो जाएगा, रॉ टू कॉलम थर्ड, ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस जीरो, इट इज माइनस साइन अल्फा। देन आ जाएगा स्टूडेंट्स ए थ्री वन, ये की पॉजिटिव है, रॉ थ्री कॉलम वन, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो आप देख रहे हैं जीरो माइनस जीरो, रिजल्ट जीरो। ए थ्री टू बाहर नेगेटिव रहेगा, रॉ थ्री कॉलम टू, रॉ थर्ड कॉलम सेकंड, तो इसमें करोगे साइन अल्फा माइनस जीरो, साइन अल्फा माइनस जीरो, माइनस का साइन अल्फा बाहर। देन ए थ्री थ्री बाहर से पॉजिटिव रहेगा, रॉ थ्री कॉलम थ्री, कॉस अल्फा माइनस जीरो, सो दिस इज कॉस अल्फा। अब क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, जो ये मैट्रिक्स बनेगा ना कोफैक्टर्स का, उसका ट्रांसपोज, माइनस वन जीरो जीरो, इट्स जीरो माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन जीरो, इट इज माइनस साइन अल्फा एंड दिस इज कॉस अल्फा। ये आ गए स्टूडेंट्स, इट्स ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर दीजिए, रॉ को कॉलम माइनस वन जीरो जीरो, जीरो माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और जीरो माइनस साइन अल्फा देन कॉस अल्फा। आपको लग रहा होगा तो वही का वही है, यस, मैट्रिक्स अगर पढ़ते हो तो ये सिमेट्रिक हो जाता है ऐसा मैट्रिक्स। चलिए बाद में बात करेंगे क्या था, पहले मैं पढ़ा चुका हूं वहां देख लेना। तो ये आपका आ गया। अच्छा क्या चाहिए उसको, इनवर्स चाहिए, तो वी वांट, वी नो बिकॉज ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इट इज माइनस वन, तो वन अपॉन माइनस वन इंटू दिस इज एडजॉइंट माइनस वन जीरो 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 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो माइनस साइन अल्फा देन कॉस अल्फा। और बेटा माइनस वन से डिवाइड करोगे तो बस साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा वन जीरो 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 कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, उधर जीरो साइन अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा, ये आपको इसका इनवर्स मिल गया। लेकिन अगर ध्यान से देख रहे हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल वही मैट्रिक्स रिटर्न आ गया। ठीक है, तो इट इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, यानी अपना खुद का इनवर्स है, तो इट इज कॉल्ड इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम एक और नाम देते हैं इनवर्टिबल, विच इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है। एक मैट्रिक्स है, दो ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर 2x2, और वेरीफाई क्या करना है हमें कि ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, एक प्रॉपर्टी होती है वैसे इनवर्स के अंदर, तो ये वेरीफाई करके देखना है हमें बच्चों। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो हम लोग ले लेते हैं पहले ए इंटू बी, 3 7 2 5 मल्टीप्लाई बाई 6 7 8 9 एंड यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई, रॉ टू कॉलम, 3 6 18 7 7 14 9
सेकंड में करो 3 8 24 9 7 63, 2 6 12 5 7 35, 2 8 16 5 9 45, 67 87 47, और ये हो गया 61। ठीक है भैया, 8 9 17 4 5 1 और 6 4 3 7 4 6 2 8 5 2 7 3 1 4 6 5 11 4 1 5 1 6। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि इसका हम इनवर्स जाएंगे, तो देखिए 2/2 के लिए जो हमारा एडवांस मेथड था ना, उससे हम एडजॉइंट गेट करेंगे। कैसे करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था? हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स, इसको तो करते हैं हम इंटरचेंज और इसका करते हैं हम साइन चेंज। तो हमें एडजॉइंट मिल जाता है, तो करिए इनको इंटरचेंज करोगे, दिस इज 61, ये हो जाएगा -87 -47 और यहां पे आ जाएगा 67। ये एडजॉइंट मिल गया डायरेक्टली आपको। तो इनवर्स के लिए एक तो एडजॉइंट हो गया, दूसरा आपको क्या चाहिए? डिटरमिनेंट चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, वो तो ए बी इज देयर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम चलो 67 multiply by 61 7 6 42 36 और 4 40 7 8 0 4 4 0 8 7 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, 7 7 49 4 16 28 34 9 8 4 0 8 9 4 0 8 9, तो रिजल्ट विल बी -2, यानी डिटरमिनेंट ए बी विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब इनवर्स इसका आ जाएगा। अब वी नो ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बी, यहां इसको ए बी ही लिखे क्योंकि ये ए बी है भाई, अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, सो इट इज 1 upon -2 एंड द एडजॉइंट इज 61 -47 -87 and 67। आप -2 से डिवाइड कर दो, सो -61 upon 2 47 upon 2 87 upon 2 -67 upon 2, ये आपका ए बी इनवर्स आ गया। अब चाहिए हमें सेपरेटली बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो स्टूडेंट्स, बी इनवर्स तो सबसे पहले हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी, तो डायरेक्टली ले लेते हैं हम लोग अभी मेथड जो हमने किया ये वाला, क्या इनको इंटरचेंज करो और इनका साइन चेंज। तो ये हो जाएगा आपका 9 then -8 -7 और यहां आ जाएगा 6। डिटरमिनेंट ऑफ बी ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 9 54 -56, दिस इज -2, सो बी इनवर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो -2 से सीधा डिवाइड कर दो इसको, या अभी एक काम करिए बाहर रहने दो -1 upon 2 को, बाद में करेंगे 9 -7 -8 and 6, राइट, देन एडजॉइंट ऑफ ए ले लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या हो जाएगा, वही चीज अप्लाई करेंगे हम, ये इंटरचेंज इनका साइन चेंज, 5 -7 -2 and 3, डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी 3 5 15 -2 7 14, इट्स 1, सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितना है 1, तो आप डिवाइड करोगे तो इट विल बी, यानी ए इनवर्स का वैल्यू 5 -2 -7 3, सीधे सीधे आ गया। अब क्या आता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हम लोगों को टेस्ट करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं इसको यहां कर लेता हूं, इस जगह पे कर देता हूं इसको,
देखिए इट्स बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, तो माइनस वन अपॉन टू बी इनवर्स में है आपके, नाइन माइनस सेवन माइनस एट एंड सिक्स इनटू ए इनवर्स इज देयर फाइव माइनस टू माइनस सेवन एंड थ्री। सो माइनस वन अपॉन टू को भी बाहर रहने दीजिए, करिए मल्टीप्लाई, रॉ टू कॉलम, फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव प्लस सिक्सटीन माइनस सिक्सटी थ्री माइनस ट्वेंटी फोर माइनस थर्टी फाइव, सिक्स टू जा ट्वेल्व फोर्टी नाइन प्लस एटीन माइनस वन अपॉन टू, ये कितना हो गया जी फोर वन फाइव सिक्सटी वन, ठीक है। अच्छा ये 61 हो गया, इधर कितना हो गया 347 माइनस 87 और ये हो गया माइनस 47 और ये हो गया जी आपका 67। अब आप माइनस 2 से डिवाइड कर दोगे, इसको भी हटा देता हूं मैं, तो माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी माइनस 61 अपॉन 2 47 अपॉन 2 87 अपॉन 2 एंड माइनस 67 अपॉन 2। तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहां देखिए ये इसका वैल्यू है किसका, ए बी इनवर्स का, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। तो आप लिख दोगे देयरफॉर ए इनटू बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ये आपका प्रूव हो जाता है स्टूडेंट्स, वेरीफाई। चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं। अब आप कहोगे सर आपने 13 को स्किप किया है, एक्चुअली 13 जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो 15 और 16 वाली कैटेगरी से है, तो 13 को मैं 15 16 के साथ नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो इसीलिए मैंने 14 को ले लिया क्योंकि ये उनसे डिफरेंट कैटेगरी में आ रहा है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स ए दे दिया और कह रहा फाइंड नंबर ए एंड बी, दो अननोन नंबर्स हैं सच दैट एक इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस ए ए प्लस बी आई इक्वल्स टू ओ, ओ मींस जीरो मैट्रिक्स होता है। अच्छा इसका मैं बेनिफिट क्या है, अगर ये सिर्फ एक इक्वेशन बन के आती है तब हम उसको सिर्फ जीरो की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका रिजल्ट मैट्रिक्स की कंडीशन में आता है तब उसको हम जीरो मैट्रिक्स यूज करेंगे। किस ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का ये रिजल्ट होगा उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स यूज हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ले लेते हैं, सबसे पहले हमें इसमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर रिक्वायर्ड है, तो लेट अस टेक ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है क्या करेंगे, ए इंटू ए थ्री टू वन वन एंड यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई, रॉ टू कॉलम, थ्री थ्री या नाइन प्लस टू, सेकेंड में करो थ्री टू या सिक्स टू वन या टू, देन यहां से करो वन थ्री या थ्री वन वन या वन वन टू या टू एंड वन वन या वन, इलेवन एट फोर थ्री, राइट। अब इस इक्वेशन में आ जाओ सीधे सीधे, ए स्क्वायर प्लस ए ए प्लस बी आई इज इक्वल टू ओ, सो दिस इज ए स्क्वायर, इलेवन फोर एट थ्री प्लस ए ए, स्मॉल ए का मल्टीप्लाई इस ए मैट्रिक्स में ही कर दो, तो दिस विल बी थ्री ए टू ए ए ए प्लस बी आई, तो आई का बी बी का मल्टीप्लाई आई में कर दो तो इट विल बी बी जीरो जीरो बी, क्योंकि आपको पता आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है वन जीरो जीरो वन, तो बी का मल्टीप्लाई हो गया एंड दिस इज इक्वल्स टू ओ मत जीरो 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 जीरो, राइट। ये सारे प्लस है तो ऐड कर दो, 11 प्लस 3a प्लस b, तो 11 प्लस 3a प्लस b, 8 प्लस 2a हो जाएगा 8 प्लस 2a और 0 को ऐड क्या करोगे ये रहेगा, देन 4 प्लस a 4 प्लस a प्लस 0 तो यही रहेगा, इसको करोगे तो 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल्स टू 0 0 0 0। अब कंपेयर कर लीजिए, अच्छा ज्यादा सिंपल पता है क्या है, आप इसको कंपेयर कर लो या इसको कर लो, पहले तो ए का वैल्यू आएगा सीधा, फिर इसको कर लेना या इसको, फिर बी का वैल्यू आ जाएगा। तो ऑन कंपेयरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, सपोज करो मैंने इसको ले लिया 4 प्लस ए और इसका कंपैरिजन इससे करोगे इक्वल्स टू 0, तो ए का वैल्यू तो माइनस 4। अच्छा कहीं से भी कर लो वैल्यू उतना ही आएगा, अगर आप इसको भी लेते 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2a का वैल्यू माइनस 8 और a का वैल्यू माइनस 4 ही आने वाला था। अच्छा दूसरा इसको ले लो क्या 3 प्लस ए प्लस बी, इसका रिजल्ट भी क्या है 0, 3 ए का वैल्यू माइनस 4 प्लस बी इक्वल टू 0, यहां से माइनस 1 प्लस बी का वैल्यू 0, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 1। अगर आप यहां से लेते तो भी बी का वैल्यू 1 ही आता, कैलकुलेट करके देख लो बी का वैल्यू 1 ले लिया ओके, और ए का वैल्यू ले लो माइनस 4, तो माइनस का 12
और 1 और 11 मिला के ये प्लस का 12, तो 12 और 12 मिला के रिजल्ट में 0 ही आने वाला था, तो ये प्रूव हो जाता है। तो a की वैल्यू हो गई -4 एंड b की वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स 1। ठीक है बच्चों, इसको एंजॉय करिए, और इसका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट में आ जाएगा, जहां पे दो क्वेश्चन है, 15 और 16 टू मच इंपोर्टेंट, लेकिन 17 और 18 जो क्वेश्चन हैं वो बेटर 20 मार्क्स वाले, जो 1-1 के मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आने वाले एमसीक्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और प्लीज अगर आपको लगता है कि मैं सचमुच में आपके लिए मेहनत कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें प्लीज स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।